हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवी क्लासेस। हमारा जो टॉपिक है आज का, कैलेंडर। कैलेंडर के मैं चार वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये पांचवा वीडियो है। उसमें कुछ नया रूल बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपने वो मेरे वीडियो नहीं देखे तो पहले वो देख लें, जिससे कि आपको जो कंसेप्ट बताएंगे इसमें वो क्लियर हो जाए। नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा कि ये कैसे आया, वो कैसे आया, है ना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना। हम स्टार्ट करते हैं। अब रिपीटेशन क्या होता है? मतलब कि अगर कोई कैलेंडर इस ईयर में या किसी भी ईयर में पड़ा है तो वो उसका सेम कैलेंडर, मतलब सेम डे होगा, है ना, सेम डेट होगी, ये जैसा का तैसा कैलेंडर नेक्स्ट किसी न किसी ईयर में पड़ता है। तो अपन यही नियम सीखना चाहते हैं या रूल सीखना चाहते हैं कि किस ईयर में पड़ेगा आखिर। अपन निकालेंगे कैसे इस ईयर का कैलेंडर किस ईयर में रिपीट होगा? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले अपन एक जनरल रूल है जो अपन जानते हैं, वो बताते हैं। ऐसे कि अगर एक तारीख को मंडे पड़ रहा है या कोई भी डे पड़ रहा है, तो वही डे नेक्स्ट किस डेट को होगा? तो जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप देखना उनमें, कि 7+ जोड़ने पर या घटाने पर हमें वही दिन प्राप्त होता है। अगर 1 में 7 को ऐड कर दें, 1 में 7 को ऐड कर दें, तो कौन सा दिन प्राप्त होगा? वही दिन प्राप्त होगा जो 1 को था। कितना हो जाएगा? 8। मतलब 1 को जो दिन, मान लो सोमवार पड़ेगा, तो 8 को भी सोमवार पड़ेगा। अगर इसमें भी हम प्लस 7 कर दें तो कितना हो जाएगा? 15। मतलब जो दिन 1 को पड़ेगा वही 8 को पड़ेगा, वही 15 को पड़ेगा। इसमें भी अगर अपन 7 ऐड कर दें तो 1 कब पड़ेगा? 22। मतलब सोमवार, अगर एक जो दिन यहाँ पड़ेगा वही 8 को पड़ेगा, वही 7 को पड़ेगा, वही 22 को पड़ेगा। और इसमें भी अगर 7 ऐड कर दिया है तो 29, मतलब वही दिन अपन को 29 को ही पड़ेगा। इसमें भी 7 ऐड कर दिया जाए तो कितना पड़ेगा? 36। लेकिन 36 दिन हमारे में नहीं होते तो आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि 31 ही दिन होते हैं। तो एक जनरल रूल समझ लें इसको, या फिर अपन ऐसे ही अपन जानते हैं ऑलरेडी तो याद भी कर सकते हैं, है ना। तो अपन इसको रूल्स ही बना देते हैं, एक रूल हो गया जनरल, है ना। याद रखना, किसी भी डे में 7 दिन उस डेट, जिस डेट को वो डे पड़ रहा है उसमें 7 घटाने या जोड़ने पर वही दिन प्राप्त होता है ना। अब जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे क्वेश्चन आया कि 1995 का कैलेंडर कब प्रयोग में आएगा, में लाया जाएगा, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है। तो कैसे उसको सॉल्व करोगे? तो उसके लिए मैं बता देता हूँ पहले ही आपको, कि जो डेट, जो ईयर दी है, उससे सीरियल से लेकर अपन मिनिमम 11 साल तक उसको रिपीट में लिख देते हैं, है ना। पहला रूल क्या करते हैं, जो भी ईयर दी उसको रिपीट में 11 तक लिख देते हैं। जैसे ये दिया है 1995, तो 1996, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। अब जी अपन ने 11 तक लिखा, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसको 11 तक मिनिमम है, मतलब 11 तक तो लिखना ही है, आगे आप कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन 11 से कम नहीं लिखना, इस तरह, है ना। आप याद भी कर सकते हो वैसे कोई भी डेट आती है यहाँ पर उसको, लेकिन हमें 11 से कम ईयर का नहीं लिखना है। तो ये देख लिए, 95 से स्टार्ट हुआ, 2006 तक मान लो 11 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। और 11 से कितना भी आगे और लिखते चले जाएँ आप, लेकिन 11 से कम ना हो। अब क्या करते हैं इस रूल में, सबसे पहले सम और विषम दिन, नहीं सॉरी विषम दिन निकालते हैं लीप ईयर में और साधारण ईयर में। हम जानते हैं 1995 एक साधारण वर्ष है,
क्योंकि ये चार से डिवाइड नहीं होगी। जो बर्स चार से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है वो होती है लीप बर्स, तो ये चार से डिवाइड नहीं होगी, तो ये होगी साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में अपन जानते हैं उसका विषमदिन कितना होता है, वन। कितना होता है? वन। इसमें देखिए चार से भाग चला जाएगा, चार दूनी आठ, चार चौक 16, मतलब ये होगी लीप बर्स। अब लीप बर्स याद होने के बाद अपन जनरल रूल बना देते हैं, कैसे? लीप बर्स के हर चौथी वर्ष रिपीट होती है, लीप बर्स हर चौथी वर्ष रिपीट होती है। तो देखना, तो ये साधारण होगा, ये साधारण होगा, ये साधारण, ये लीप बर्स होगी, ये साधारण होगी, ये साधारण होगी, ये साधारण होगी, ये लीप बर्स होगी, ये साधारण होगी, ये साधारण होगी, आगे चौथी लीप बर्स होगी। ठीक है, वो भी लिख देता हूँ, आप कन्फ्यूज ना, ये हो गया और ये यहाँ पर लीप बर्स होगी। मतलब जो बर्स चार से भाग चली जाती है वो लीप बर्स होती है, और जो भाग नहीं जाता वो साधारण बर्स होती है। वो एक क्या होता है, उसका विषम दिन, और लीप बर्स का दो विषम दिन होते हैं, वो निकालना मैं सिखा चुका हूँ, पुरानी वीडियो देख लेना आप। तो ये सिर्फ विषम दिन लिख दिए, अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे विषम दिन से, ना? तो हम क्या करते हैं, जो मैंने रूल बनाया है, पहले एट तक काउंट करते हैं, है ना? तो अगर साधारण वर्ष के साथ साधारण, जैसे मान लो यहाँ साधारण वर्ष है, तो इधर भी साधारण वर्ष उस नंबर फंस गई, तो समझ लेना वो रिपीट होगा, और साधारण की जगह लीप वर्ष होगी, तो उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे दिखाते हैं, जैसे वो ये क्या, पहले स्टेप एट तक जाना, एट तक गलत निकलता तो 15 तक जाना, 15 तक गलत निकलता तो 22 तक, 22 के बाद 29 तक, ऐसे जाना है। कैसे जाते हैं? 1 2 1 3 4, 1 3 4 5 6 7 8, मतलब इसको काउंट कर लिया ओनली यहाँ तक, तीन, देखो 1 2 1 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ 8 हो गए, है ना? 8 हुए, लेकिन हम एक चीज़ और देख रहे हैं, ये 8 है और यहाँ 8 क्या है, ये लीप वर्ष, और यहाँ क्या है, साधारण वर्ष। तो लीप साधारण वर्ष, लीप रिपीट तो नहीं हो सकता, साधारण की जगह साधारण रिपीट होगा, लीप की जगह लीप, तो इसको आगे बढ़ जाते हैं, मतलब ए वाला हमारा क्रॉस हो गया, सही नहीं है, यहाँ पर रिपीट नहीं होगी, तो फिर बढ़ देते हैं, 8 यहाँ होगा, तो 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ कितना हुआ, 15, सब जोड़ रहा हूँ इनको, है ना? तो यहाँ पर भी क्या है, साधारण वर्ष, यहाँ पर भी क्या है, साधारण वर्ष, मतलब ये यहाँ पर मैच हो गया, है ना? क्या मैच हो गया कि 1995 जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, 2006 में, है ना? 2006 कब रिपीट होगा, 2006 में, है ना? इस तरह से होता, और भी मैं एग्जांपल बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसे आता है 2010 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ऐसा लिख के आता क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे इसको देख लिए, फिर से बता देते हैं, ये 2010 है, इसको मिनिमम 11 साल तक कंटिन्यू लिख देंगे, इसके बाद आगे भी लिख सकते हैं। जैसे ये 2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और आगे जितना लिखना हो, हम तो 11 तक लिख रहे हैं, इसके बाद आप आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 11 हो। फिर वही विषम दिन, 2010 क्या है, 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, इसका विषम दिन कितना हो जाएगा, 1। विषम दिन कितना हो गया, 1। इसका विषम दिन कितना हो जाएगा, 1। 2012 है तो 4 से भाग चला जाएगा, इसका विषम दिन दोनों। अब जैसे ही लीप बर्स मिलती है, वैसे चौथे दिन करते चले जाते हैं, जैसे लीप बर्स मिल गई तो 1 2 3 चौथे दिन रिपीट होगी, 1 2 3 चौथे दिन रिपीट होगी, 1, इस तरह आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, ऐसे रिपीट होती चली जाती है। लीप बर्स मिलने के बाद ये लिखना, जो नंबर लिख रहे हैं वो आसान होता है ना, ये नंबर क्यों लिख रहा है, इसको याद रखें, ये विषम दिन होता है साधारण वर्ष का 1 और लीप वर्ष का 2, वही नंबर लिख रहा है। अब फिर से वही, पहले 8 तक काउंट करेंगे, फिर 15 तक, फिर 22 तक, देख लो 2 3 4 5 6 7 7 8, है ना? यहाँ पर 8 हो रहा है, या 9 हो जाएंगे, लेकिन 8 अपन, है ना? अब ये विषम दिन है,
सॉरी, ये साधारण वर्ष से लीप वर्ष, मतलब यहाँ पर मैच नहीं हो सकता क्योंकि साधारण वर्ष के साथ साधारण आती, लीप के साथ लीप आती। तो आगे करते 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और काउंट करने में गलत हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ पड़ा 15 है। अब यहाँ भी साधारण वर्ष देख लो, ये क्या है साधारण वर्ष, यहाँ भी साधारण वर्ष है, मतलब दोनों मैच करा गई, दोनों मैच कराएंगे तो 0 1 0 रिपीट कब होगा 2021 में। ऐसे साधारण से आंसर निकाल लेते हैं अपन, है ना। और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, बोलता है 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, है ना। अब 2012 का है तो लिख देते हैं वही फिर से, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक लिख दिया मैंने, लेकिन 11 तक मिनिमम लिखना है ना। फिर से रिपीट करते हैं, ये 12 है, 12 का लीप 2 होगा, 1 2 3 2, 1 2 3 2, 1 2 3, है ना। लीप वर्ष के हर चौथे दिन रिपीट होती है, इसलिए हम चौथे दिन चौथे वर्ष रिपीट करते जा रहे हैं, सॉरी दिन नहीं वर्ष, तो ये रिपीट कर दिया मैंने। अब पहला लीप वर्ष होगा, लेकिन लीप वर्ष का स्टार्टिंग में बता दूं, कोई भी सन है ना जो शताब्दी वर्ष के स्टार्टिंग होता है वो लीप वर्ष से स्टार्ट नहीं होता है ना। ठीक है, जैसे 2000 है, अब 2021 में स्टार्ट होगी तो लीप वर्ष नहीं होता है ना। लेकिन इसका जो क्या सिस्टम है, फिर अपन कैसे निकालेंगे लीप वर्ष, वो अपन देख लेते हैं ना। तो लीप वर्ष से एक रूल, नया रूल है, न्यू रूल, जब कैलेंडर ईयर जिसका रिपीट कैलेंडर पूछा गया हो, वह अगर लीप ईयर है, क्या है लीप ईयर, क्या लीप ईयर है, तो क्या करेंगे उसको निकालने के लिए, उसको निकालने के लिए एक साधारण सा रूल है वो याद रख लें बस, जो लीप ईयर है उसमें 28 से प्लस कर देते हैं। जैसे लीप ईयर ये क्या लीप ईयर है, स्टार्टिंग लीप ईयर से फंस गई तो इसलिए इसमें लगना पड़ रहा है, लीप ईयर से स्टार्टिंग हो रहा है तो उसमें 28 से प्लस कर देते हैं, जैसे 2012 प्लस 28, सॉरी 28 डायरेक्ट कर दें 2000, हाँ ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा कितना हो गया 2040, मतलब 40 में रिपीट होगा। ऐसे अगर पूछता है वो कि 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, क्योंकि ये लीप ईयर से चार जी कट रहा है, दो चार से दोनों, अगर जिस 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो क्या कर देंगे इसमें +28, कितना हो जाएगा 2044, कब रिपीट होगा 2044 में, है ना। इसमें ये जब लीप ईयर फंस जाती है तो इसमें ये जो वाला रूल लागू नहीं होता है ना, कौन सा लागू होगा जब 28 प्लस करेंगे, जब भी लीप ईयर स्टार्टिंग में आती है तो 28 प्लस करके ऐसे निकाल लेते हैं कि कब रिपीट होगी। ठीक है, जैसे लीप वर्ष का बताया, लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो तो 28 वर्ष बाद रिपीट होता है, अगर कोई वर्ष पूछ गए उस वो लीप ईयर से है ना, इसके विषम संख्या 2 है, तो क्या करते हैं जो भी ईयर दिए, जैसे 2012 दी, 2016 का एग्जाम्पल दिया था, 28 प्लस करके कोई
कोई भी लीप ईयर स्टार्टिंग पड़ती है उसमें 28 प्लस करते हैं, और जो भी प्लस करने के बाद आती है उसको अपन उसी ईयर में रिपीट होगा। अब कुछ अपवाद भी हैं, कैसे अपवाद पढ़ते हैं, जैसे शताब्दी वर्ष में, जैसे 2000 वर्ष के बाद क्या आता है, 2100, 2100 आता है, इसको याद रखें। अब इसमें अपवाद क्या है वो मैं बता देता हूँ, जैसे क्या होगा 2091 92 93 94 95 96 97 98 99 101 102 3 4 5। अब इसमें जो अपवाद मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे इसका कितना होगा 1 2, या 2 हो गया रिपीट होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1। एक क्या लिखती है संख्या, कैसे लिखते हैं हम बता चुके हैं कि 4 से भाग देते हैं, अगर वो लीप ईयर साधारण वर्ष है तो 1 विषम दिन होता है, लीप ईयर से 2 होता है, 2 जब एक मिल जाता उस संख्या से आसान होता है लगना, क्योंकि वो हर चौथे वर्ष रिपीट होती है। लेकिन इसमें जो हम बताना चाहते हैं, अब देखिए 1 2 3 4 चौथे वर्ष रिपीट हो गई, 1 2 3 4 ये चौथे वर्ष रिपीट हो रही, लेकिन 2100 क्या 4 से डिवाइड होगा, क्या 2100 4 से डिवाइड होता है, नहीं। तो जो रूल हो रहा है वो कहीं ना कहीं अपना मिसमैच हो रहा है, देखिए ना, चौथे वर्ष लीप ईयर चौथे वर्ष रिपीट होती है 1 2 3 4, तो क्या रिपीट हो पा रही, नहीं हो पा रही। तो यही देखना है इस अपवाद में कितने सालों बाद फिर रिपीट होता है, इसलिए इसको अपवाद बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें तो इसको क्या करेंगे स्किप कर देते हैं, यहाँ पर रिपीट नहीं होती 2100, है ना, ये रियल है। तो अपन देखते हैं पहले पहले वही रूल वही है, 8 15 22 29, है ना, पहले 8 काउंट करेंगे, 15 करेंगे, 22 करेंगे, 29 करेंगे, और उसको लीप ईयर से मिलाएंगे और साधारण से साधारण मिलाएंगे, तो 3 4 5 6 7 8 8, है ना, अभी साधारण वर्ष है और ये लीप ईयर मतलब नहीं मिल रहा है, 9 10 11 11 4 15 15, है ना, सॉरी ये क्या है 15 हो गया, अभी साधारण वर्ष ही लीप ईयर से हैं, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा, 15 16 17 18 19 20 21 ना 21 और 22, तो मिस्टेक हुई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ 15 हो रहा है, 15 कहाँ हो रहा है, यहाँ। अब देखिए ये साधारण वर्ष है, ये साधारण वर्ष, 15 मिलना चाहिए, लेकिन 15 पे क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ईयर है वो क्या हो जाएगा 1, है ना, क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग लीप ईयर आ रही हर चौथे वर्ष रिपीट होती है, इसलिए यहाँ पर लीप वर्ष नहीं पड़ती है, इसको क्या करते हैं जहाँ से उसको एक शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ एक कम हुआ तो आगे एक शिफ्ट कर देंगे, तो जो क्या कहाँ से रिपीट होगी यहाँ पर 2003 में, है ना, सिर्फ ऐसा एक अपवाद है, ऐसा क्वेश्चन आता तो अपन तुरंत एक शिफ्ट कर यहाँ पर, क्योंकि 1 कम हो जाता तो आगे एक शिफ्ट हो जाता, तो जी 2091 का जो कैलेंडर कब रिपीट होगा 2103 में, ठीक है, ये मेरा रिपीट कैलेंडर रिपीट का रूल्स था। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो देखें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, थैंक यू फ्रेंड्स।